प्रिंटर एरर टर्न ऑफ एंड ऑन अगेन डिटेल सी डॉक्यूमेंट। तो ये प्रिंटर एप्सन L1455 है, पहले हम लोग चालू करते हैं, ये एरर है तो इसको चालू करेंगे। और ये एप्सन का इंक टैंक है, इंक टैंक प्रिंटर है L1455 वायरलेस A3 प्रिंटर है। तो इसको चालू करने के बाद एरर सॉल्व करने के लिए जैसा ही इसका इंक टैंक वाला हेडर मूव करता है तो आपको तुरंत पावर बंद कर देना है ताकि हेडर जहां पे लॉकिंग होता है वहां से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। तो उसको हम लोग को सरकाना है और पावर पूरा ऑफ करने के बाद हम लोग को उसका जहाँ पे लॉकिंग है तो फ्रेंड वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे कुछ डस्ट या तो कुछ लॉक तो नहीं हो गया है। वहाँ पे थोड़ा क्लीन करना है स्प्रिंग को, हम लोग को इस तरह थोड़ा सा उसको मूव करना है, हिलाना है। फिर इसके बाद देखना कहीं जाम तो नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग आगे का उसको भी चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर इंक हेडर लॉक होता है और ये लॉकिंग सिस्टम है, आप देख रहे हैं ये लॉकिंग सिस्टम है तो इसको भी मूव करके देखना है। तो इसको फिर करने के बाद आपको प्रिंटर चालू करना है, इसके बाद थोड़ा क्लीन करने के बाद तो आपको क्या करना है, पावर ऑन करना है। फिर उसके बाद आपको पावर बटन दबा के चालू करना है, फिर थोड़ा टाइम आपको देखना है। तो एप्सन चालू हो गया प्रिंटर, तो आपको थोड़ा वेट करना है। तो ये जहाँ पे लॉकिंग होता है तो देखिए अपने आप लॉकिंग सिस्टम पे जा रहा है लॉक होने के लिए, तो थोड़ा आपको वेट करना है। आपको इस समय कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। वेट करना है, फिर इसके बाद वो देखिए फ्रेंड लॉक हो गया। तो उस फ्रेंड वहाँ पे देखिए लॉकिंग है तो थोड़ा टाइम में लॉक होगा वो। तो इस तरह वो मूव करने के बाद वहाँ पे देखिए लॉक हो गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड यहाँ तो ये लाइट जल रही है, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एरर सॉल्व हो गया। तो ओके बटन आपको प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पे और रेड लाइट ऑफ हो गई है, आपका मेन स्क्रीन आ गया है। तो आप देखिए इस तरह आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपके प्रिंटर इंक टैंक वाले प्रिंटर को इस तरह एरर सॉल्व करना है। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारे सोनार टेक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए।